मैं डॉक्टर रोहिणी रमेश उज्वले, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जामड़ी, पीएससी नसरापुर, और मैं यहाँ की जन आरोग्य समिति की सचिव भी हूँ। तो मुझे यहाँ जन आरोग्य समिति से एक फायदा हुआ है कि पहले लोग यहाँ आते नहीं थे, लोगों को ज्यादा पता नहीं था, एनसीडी का भी लोग घबराते थे बीपी शुगर चेक करने के लिए। मतलब जब से जन आरोग्य समिति के मेंबर खुद बीपी शुगर चेक करवाने लगे तो लोग भी आने लगे, डरना बंद हो गया उनका। और ओपीडी भी बहुत, मतलब 20-30 होती थी, अब 40-50 की ओपीडी होती है। और लोगों ने जो, मतलब शासकीय जो के योजना है, मतलब टीबी का हो या कुछ अलग हो, पीएमवीवाई का हो, जेएसवाई हो या एनसी हो, वो सब कुछ बढ़ गया है अभी जन आरोग्य समिति की वजह से। और स्कूल में जो कैंप होते हैं उसमें भी स्टूडेंट्स भी बहुत भाग लेते हैं। मतलब बहुत जन आरोग्य समिति से जो मतलब आउटपुट निकला है वो बहुत अच्छा है। और जन आरोग्य समिति में कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर? 31 मेंबर्स है सर टोटल, और उसमें 21 वुमन्स हैं। और हर दो महीने में एक बार आप? हाँ, एक दो दो महीने में एक मीटिंग होती है यहाँ पे, और हर महीने विजिट देते हैं सब जन आरोग्य समिति के मेंबर्स है वो। सब भी देते हैं, और इसका बहुत फायदा हो रहा है कि जो इंटरेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो गांव वालों तक पहुंच गया है। हाँ, गांव वालों तक पहुंच गया है सब, मतलब जो सब सेंटर का है, मतलब कुछ शासकीय योजनाएं हैं वो लोगों को पता चल रही है। अब कितने लोग आ रहे हैं बीपी के लिए? ऐसे बीपी के लिए सर मेरे पास अभी रिकॉर्ड है तो 314 लोग आते हैं बीपी के लिए। 314? हाँ, 314 इस गाँव से नहीं, मतलब ये पांच गाँव से 314। और पहले ये नंबर इतना नहीं था? नहीं, पहले नंबर नहीं था इतना सर, मतलब लोग आते ही नहीं थे, घबराते थे। जैसे न्यू डायग्नोस भी हमारे पास बहुत, मतलब पहले 10-15 भी नहीं आते थे। हाँ, 10-15 भी नहीं आते थे ना पहले, तो अभी क्या हुआ है कि न्यू डायग्नोस भी मेरे पास बहुत पेशेंट है अभी। अच्छा, मतलब चेक करेंगे तो पता चलेगा ना लोग।